नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन के वायरस से फिर भारत में अलर्ट, हुकमचंद पाली क्लिनिक में तैयार किया वार्ड। WHO ने जारी की एडवाइजरी, वार्ड में तैनात की गई डॉक्टरों की टीम। रिजल्ट से पहले वोटिंग का एक और वीडियो, भिंड के अटेर में फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल। बीजेपी की 2 बूथ पर रीपोलिंग की मांग, बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। गैस पीड़ित संगठनों की संयुक्त प्रेस वार्ता, गैस त्रासदी को लेकर मिले खुफिया दस्तावेज। त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग को बंद करने की योजना, गैस पीड़ितों की इलाज में सुधार के लिए नया कदम। मतगणना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, मतगणना को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी मतगणना, 3 लेयर में विशेष फोर्स तैनात। चार बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कौन सी है वे बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर आ रही है इंदौर से, जहां चीन के वायरस से फिर भारत में अलर्ट। हुकुमचंद पाली क्लिनिक में तैयार किया वार्ड। WHO ने जारी की एडवाइजरी, वार्ड में तैनात की गई डॉक्टरों की टीम। वहीं दूसरी खबर भिंड से है, जहां रिजल्ट से पहले वोटिंग का एक और वीडियो सामने आया है। भिंड के अटेर में फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के 2 बूथ पर रीपोलिंग की मांग की गई, बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। वहीं तीसरी खबर आ रही है भोपाल से, जहां गैस पीड़ित संगठनों की संयुक्त प्रेस वार्ता, गैस त्रासदी को लेकर मिले खुफिया दस्तावेज। त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग को बंद करने की योजना, गैस पीड़ितों के इलाज में सुधार के लिए नया कदम। वहीं चौथी और आखिरी खबर है टीकमगढ़ से, जहां मतगणना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर हो गया है। मतगणना को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी, 3 लेयर में विशेष फोर्स तैनात। सबसे पहली खबर आ रही है इंदौर से, जहां चीन में फैल रहे बच्चों के इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण के बाद भारत के 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों को पत्र जारी कर संक्रमण से बचाव के लिए उपाय करने के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आपात स्थिति से निपटने के लिए वार्ड तैयार कर लिए हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इंदौर से खुशबू यादव हमारे साथ जुड़ चुकी है। खुशबू, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन्फ्लुएंजा H1N2 को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? जी बिल्कुल, जो चीन में जो फैल रहा है जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इस वायरस के बाद में अगर देखा जाए तो भारत के 5 राज्यों में भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में पत्र जारी कर संक्रमण से बचाव के लिए जो उपाय करने के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। और इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में इस वायरस को लेकर पहले से ही तैयारी कर ली गई है, क्योंकि रितिका आपको पता ही है, जैसे कि सभी जानते हैं कि पहले से जो जब कोविड का समय था तो कोविड में जो इंदौर शहर है वह हॉटस्पॉट शहर था, सबसे जो कोरोना का जो गढ़ है वो इंदौर बन चुका था। तो उसी के चलते हुए जो ये व्यवस्थाएं हैं वो पहले से ही की जा रही है कि अगर इस तरीके का जो वायरस है अगर इंदौर में आता है तो किस तरीके से तैयारी रहेगी, किस तरीके से तत्परता से तैयार रहना है। और खासतौर पे जो ये संक्रमण है वो बच्चों में फैल रहा है, तो बच्चों को लेकर पहले ही जो है सेंसिटिव मामला रहता है, और सेंसिटिव मामले के चलते ही जो है देखा जाए तो पहले से जो तैयारियां करना बड़ी आवश्यक है। और उसी के बाद में जब अलर्ट जारी हो चुका है, जो राज्य सरकार है, मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी अलर्ट जारी कर दिया है। WHO लगातार जो है चाइना से जो जानकारियां हैं वो मांग रहा है, कुछ जानकारियां जो चाइना है उसने दी है, लेकिन फिर भी जो पूरी पुख्ता जानकारी है वो अभी तक नहीं मिली है। यह जो बीमारी है रितिका, हम आपको बता दें कि निमोनिया से रिलेटेड बीमारियां से बताया जा रहा है। जिस तरीके से निमोनिया में सर्दी खांसी बुखार और तेज दर्द होता है, उसी के चलते जो यह बीमारी है, इस बीमारी में भी जो सर्दी खांसी और सिर दर्द है, तो उसी के चलते इसे जो नाम है वो इन्फ्लुएंजा माइकोप्लाज्मा जो नाम है वो दिया गया है, लेकिन ये निमोनिया से थोड़े बढ़कर है। इसमें अगर देखा जाए, इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में जो मौसम परिवर्तन हुआ है मध्य प्रदेश में, उसका भी इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है, डॉक्टर विशेष तौर पर सलाह दे रहे हैं कि हल्की सी भी सर्दी खांसी को जो है वो अवॉइड नहीं किया जाए, तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह ली जाए। डॉक्टर का जो जिस तरीके से जो दवाइयां हैं
वो उनसे सलाह मशवरा करके ली जाए और लापरवाही इसमें बिल्कुल भी नहीं बरती जाए, क्योंकि ये लापरवाही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए रितिका तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़े पैमाने पर चले जाए और बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। इंदौर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो इन्फेक्शन है, जो सर्दी खांसी बुखार का जो एक दौर चलता है हर मौसम में, तो उसी के चलते मौसम के चलते भी और 10 से 20% जो इजाफा है वह हाँ सर्दी खांसी में देखने के लिए मिल रहा है, तो वो थोड़ा चिंता का विषय भी बनते जा रहा है कि मौसम का बदलाव और ऊपर से वायरस दोनों ही जो मिक्सअप है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो इंदौर पूरी तरीके से अलर्ट है, जो अलग से इनके जो क्वारंटाइन वार्ड है, आइसोलेशन और क्वारंटाइन वार्ड है, वो भी अस्पतालों में बनाए जा चुके हैं, पहले से ही तैयार हैं। उसी के चलते जो डॉक्टरों की टीम है वो भी जो है सर्वे कर रही है, साथ ही जो जो भी बच्चों को दिखाने अस्पताल आ रहे हैं या फिर जिस तरीके से माता पिता हैं उनमें जागरूक करने का भी कार्य किया जा रहा है कि कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो हल्की सी सर्दी खांसी पे सिर्फ बच्चों को जो है घरेलू उपाय से ही ठीक करने की जो देखा जाता है कि प्रयास करते हैं, लेकिन अभी यह जो प्रयास है वह नहीं करना है। सीधे सबसे पहले जब भी अगर हल्की सी भी सर्दी होती है, बुखार आता है, तो सीधे डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से ही परामर्श ले। रितिका जी, खुशबू, एवियन इन्फ्लुएंजा H1N2 जो बीमारी है वो निमोनिया से मिलता जुलता है क्या? क्योंकि जिस तरह से निमोनियों से ग्रसित बच्चों पर नजर रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं, उससे आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल रितिका, निमोनिया से ग्रसित बच्चों के ऊपर तो विशेष ध्यान देने के लिए कहा ही गया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सर्दी खांसी बुखार के जो बच्चे हैं वह कितने बढ़ रहे हैं, उनमें कितना इजाफा हो रहा है, इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। उनकी संख्या कितनी है वह भी मांगी है, कितने बच्चों का इलाज चल रहा है, किस तरीके से जो ये वायरस है वह तेजी से फैल रहा है, या फिर अगर कहा जाए कि सर्दी खांसी का एक अलग ही जो माहौल है, अभी जो मौसम है मौसम के अनुसार सर्दी खांसी बड़ों को भी होती है और बच्चों को भी होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है, तो उसी के कारण जो जल्दी वायरस है इन्हें पकड़ेगा। इसी के चलते अगर देखा जाए तो डॉक्टरों का कहना है कि पूरी तरीके से जो परामर्श देना चाहिए हम दे रहे हैं, माता पिता को भी सतर्क रहने का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं और लगातार जो जो यहाँ पर माता पिता आते हैं उन्हें यही कहते हैं कि जब तक बच्चा पूरी तरह से ठीक ना हो उन्हें दवाई गोली बंद नहीं किया जाए। और कुछ माता पिता ऐसे भी हैं, जिस तरीके से डॉक्टरों से बात की गई तो उनका भी कहना यह है कि कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो पुरानी दवाइयां रखी रहती हैं, सर्दी खांसी के हर घर में दवा होती है, वो दवाइयां ना देते हुए इस सर्दी खांसी के लिए पहले डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो आम सर्दी खांसी है वो भी एक वायरस का रूप ले ले। रितिका जी, खुशबू, एवियन इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है उसका संक्रमण किस तरह से फैलता है? रितिका, इसके जो शुरुआती लक्षण है वो नॉर्मल सर्दी खांसी से बताया जा रहा है कि नाक बहना, खांसी आना, आंखों में हल्की सी जलन होना और बुखार होना, तेज सरदर्द होना, इस तरीके के जो लक्षण है वो देखने के लिए मिलेंगे और इसी के चलते जो एक ये लक्षण है बढ़ते चले जाते हैं, निमोनिया की तरफ चले जाते हैं और निमोनिया से बढ़कर फिर जब ये वायरस बढ़ता है तो वह जो है एक वायरस का रूप ले लेता है। और अभी तक की जो अगर भारत की बात की जाए तो इस तरीके के कोई भी केस अभी तक देखने के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरीके से सर्दी खांसी और बुखार की जो केस है वह बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको लेकर जो राज्य सरकार है उसने चिंता व्यक्त की है और चिंता व्यक्त करते ही कि ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश एक बार फिर कोरोना का गढ़ बन जाए या फिर कोई ये वायरस जो नया आया है इस वायरस के चलते किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो। रितिका जी, खुशबू, इंदौर में इस बीमारी से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है अभी तक? रितिका, इसी के इंदौर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंदौर पहली लहर और दूसरी लहर में कोरोना का गढ़ रह चुका है, इंदौर में सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं और इंदौर की आप बीती किसी से भी नहीं छुपी है, और उसी के चलते इंदौर अब पूरी तरीके से सतर्क है, क्योंकि इंदौर एक एजुकेशन हब भी है, इंदौर अगर देखा जाए तो आर्थिक राजधानी भी है, सबसे बड़ा शहर भी है, तो इसके चलते देखा जाए तो जो आबादी के हिसाब से जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, डॉक्टर की टीम बड़ी सतर्क है, पहले से ही जो आइसोलेशन वार्ड है, क्वारंटाइन वार्ड है, वो जो अस्पतालों में बनाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या बच्चों को ना हो, अगर ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलती है तो पहले से ही जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से तैयार है। रितिका जी, तो एक खबर थी इंदौर से, जहां चीन के वायरस से फिर भारत में अलर्ट हो गया है, कुमचंद पाली क्लिनिक में वार्ड तैयार किए गए हैं, WHO ने एडवाइजरी जारी की है, वार्ड में कई डॉक्टरों की टीम भी गठित की गई है।
दूसरी खबर भिंड से है, जहां मध्य प्रदेश में चुनाव के नतीजों के लिए महज 2 दिन बचे हैं, लेकिन इसके पहले पोलिंग बूथों को लेकर तथा कथित वायरल हो रहे वीडियो का सिलसिला अभी भी जारी है। इसी बीच भिंड के अटेर से एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद कुशवाहा भिंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, रिजल्ट से पहले वोटिंग का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, विस्तार से बताइए क्या कुछ जानकारी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, भिंड में बूथ कैप्चरिंग का एक सनसनीखेज वीडियो बुधवार को सामने आया है। वीडियो अटेर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया के भाई देवेंद्र भदौरिया द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दें कि देवेंद्र भदौरिया ने इस बात का दावा किया है कि यह वीडियो अटेर विधानसभा के खड़ीद गांव के पोलिंग नंबर 11 और 12 का है। देवेंद्र भदौरिया का ये भी कहना है कि इस पोलिंग बूथ पर बूथ कैप्चरिंग हुआ है। इसी बात की शिकायत उन्होंने अपने भाई अरविंद भदौरिया द्वारा चुनाव आयोग ने दी गई थी। दरअसल बुधवार को देवेंद्र भदौरिया ने मीडिया को एक वीडियो दिया है। इस वीडियो के बारे में देवेंद्र भदौरिया ने दावा किया है कि यह वीडियो अटेर विधानसभा की खड़ीत गांव का है। देवेंद्र भदौरिया ने यह भी बताया है कि 17 नवंबर को मतदान के दिन खड़ीत गांव की पोलिंग बूथ नंबर 11 और 12 पर असामाजिक तत्वों द्वारा पोलिंग बूथ पर बूथ कैप्चरिंग किया गया था। यह वीडियो उसके बाद आज सामने आया है। इसके बाद उन्होंने उनके भाई अरविंद भदौरिया ने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। आनंद, आखिर वीडियो की सच्चाई क्या है? फिलहाल इस पूरे मामले में जो वीडियो सामने निकल के आया उसमें साफ बूथ कैप्चरिंग का जो मामला है सामने आ रहा है, लेकिन मीडिया इस जो वीडियो की जो पुष्टि है वो हम नहीं करते। आनंद, बीजेपी के 2 बूथ पर रीपोलिंग की मांग की गई है, तो इस पर चुनाव आयोग का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने इस मामले में बताया है कि वीडियो जो सामने आया है फिलहाल उसको देखकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि उस पर क्या करना है। जी आनंद, इस वायरल वीडियो में पोलिंग बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई है, देवेंद्र भदौरिया ने वीडियो जारी कर इस बात का दावा किया है, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, बता रहे हैं ये सनसनी वीडियो जो कि बुधवार को सामने आया है। जी बुधवार को सामने आया है, इससे मीडिया में माहौल में और राजनीतिक माहौल में भी सनसनी मची हुई है कि ये वीडियो इतनी देरी से जो वायरल हुआ है, फिलहाल ये इतनी देरी से क्यों हुआ, तब क्यों नहीं हुआ, चुनाव के बाद भी हुआ था एक जगह दूसरी पोलिंग बूथ का, एक पहला भी फिर दूसरा मामला है। पहले मामले में भी अटेर का चुनाव एक बार रिपोल हो चुका है, जिसमें चुनाव रिपोल होने के बाद शांतिपूर्ण करवाया गया था। जी आनंद, कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? जी कांग्रेस के लोगों का द्वारा कहना है कि बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें वो पूरी झूठी हुई शिकायतें हैं। जी तो एक खबर थी भिंड से, जहां रिजल्ट से पहले वोटिंग का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। भिंड के अटेर में फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के 2 बूथ पर रिपोलिंग की मांग की गई है, वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। तीसरी खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में गैस पीड़ितों के 5 संगठनों की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजन की गई, जिसमें कुछ विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान भोपाल गैस त्रासदी को लेकर मिले खुफिया दस्तावेजों का खुलासा भी हुआ। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से आबिद मुमताज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद जी, जैसा कि हर देश की बड़ी त्रासदी थी और इस मामले पर प्रेस वार्ता की गई है, क्या क्या चर्चाएं की गई? देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब 1984 में गैस त्रासदी की घटना घटित हुई तो उसमें हजारों लोग जो है मौत के गाल में समा गए थे, और जब से ही पूरा मामला जो है विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को चलाया गया, वही हाईकोर्ट और निचली अदालत में भी मामला चलाया गया, और अब हाल ही में जिस तरह से ये 39वां वर्ष जो चल रहा है गैस त्रासदी को, उसको लेकर भी काफी जो है गैस पीड़ित संगठन लगातार, मतलब 39 साल से लगातार गैस पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो पहले जो डाउ केमिकल के जो प्रतिनिधि थे वो आज तक कोर्ट में 6 सालों से पेश नहीं हुए थे, और उनको उनके प्रतिनिधियों को कोर्ट में आना पड़ा। तो गैस पीड़ितों ने सबसे बड़ी बात यही कही है कि यह उनकी सबसे बड़ी जीत है कि जब जो लोग 39 साल में अदालत में पेश नहीं करते उनको अब कोर्ट में आना पड़ा और अपने तमाम जो है
पक्ष यहाँ पर रखना पड़ा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब गैसपुरी संगठन के जो लोगों ने जो मांग की थी, लगातार जो मांग करते आ रहे थे, चाहे वो सरकार हो या कोर्ट हो, वहां से जो मांग करते हुए आ रहे थे, उसी के तहत अब जब अदालत में यह फैसला हुआ और अदालत में अब यह सुनवाई जो है वो जनवरी में होनी है, लेकिन इससे पहले गैसपुरियों ने जो मांग रखी थी उसको पूरा करने के लिए भी एक हस्तक्षेप किया गया। और साथ ही गैसपुरी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि सीबीआई आपके अधीन काम करती है तो ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जाए जो गैस त्रासदी के दोषी है। रितिका जी, जी आबिद, आबिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुफिया दस्तावेजों की बात कही गई है, तो ये कौन से खुफिया दस्तावेज है, आपको इसके बारे में जानकारी है? निश्चित रूप से जो खुफिया दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि जो गैस पीड़ितों के अस्पताल हैं उसको बंद करने के लिए जो राज्य मंत्री परिषद है उसने यहाँ प्रस्ताव रखा है, और राज्य मंत्री परिषद के लोगों ने ही कहा है कि जो गैस त्रासदी के जो अस्पताल चल रहा है उसमें आधा दर्जन अस्पताल है उनको बंद करने की बात यह सामने आई है। इसी को लेकर ये गोपनीय दस्तावेज जो है उजागर हुआ है, गैसपुरी संगठनों ने इसको उजागर किया है और साथ में ये भी मांग की है कि दिसंबर में जो नई सरकार बनेगी यदि गैसपुरियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी आबिद, गैस पीड़ितों के संगठनों द्वारा जो दावे किए गए हैं, यदि इस पर सरकार द्वारा अमल में लाया जाता है तो गैस पीड़ितों को कितना फायदा होगा? देखिए, अमल में लाने की यदि बात नहीं है क्योंकि पूरा मामला जो है वो अंडर ट्रायल है और कोर्ट में पूरा मामला यहाँ पर चल रहा है, पिछले 38 सालों की बात करो तो पिछले 38 साल से ये मुकदमा यहाँ पर चल रहा है। सरकार ने अपनी ओर से जो पहल करनी चाहिए थी, जिस तरह से क्या वो केंद्र की सरकार हो राज्य सरकार हो, उन्होंने कोर्ट में कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि कोर्ट उस मामले को लेकर संज्ञान में लेता, जो दोषी है उनको जो है सजा देने का काम करता। लेकिन गैसपुरी संगठन लगातार अदालतों के चक्कर काट के रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाईकोर्ट की बात करें या भोपाल की निचली अदालत की बात करें, तो लगातार ये लोग यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और यही मांग करते हुए आ रहे हैं कि सीबीआई जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सीबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है या कोई भी जो प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उनके अधीन काम करती है, तो क्यों ना इन गैस पीड़ित लोगों के जो दोषी हैं, जो जिनकी जान माल से खिलवाड़ किया गया है, ऐसे लोगों को जो है पुख्ता सबूत के साथ इनको जो है कड़ी सजा दिलवाई जाए। लेकिन आज अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि गैस पीड़ितों की जो लड़ाई न्याय की लेकर जो लड़ाई चल रही है वो आगे भी यहाँ पर इसी तरह से चलती रहेगी। गैस पीड़ित संगठन साफ तौर पर कह चुका है कि जब तक वो न्याय नहीं पा लेते जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जी, तो ये खबर थी भोपाल से, जहां गैस पीड़ित संगठनों की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जहां गैस त्रासदी को लेकर खुफिया दस्तावेज मिले। त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग को बंद करने की योजना बनी, जहां की गैस पीड़ितों के इलाज में सुधार के लिए नया कदम उठेगा। चौथी और आखिरी खबर टीकमगढ़ से है, जहां प्रदेश में 3 तारीख को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला तय हो जाएगा। मतगणना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इसी बीच टीकमगढ़ में मतगणना को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुबोध पाठक टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, 3 विधानसभाओं की गिनती पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जाएगी, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने क्या कुछ तैयारियां कर ली है? कड़े इंतजाम किए गए हैं इधर जी, और इसमें 3 लेयर में सुरक्षा रखी गई है जी, और मतगणना स्थल पर बीएसएफ, एसएफ और एमपी पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। वहीं ये 2 सीटें टीकमगढ़ और जतारा के लिए उन्होंने विधानसभा क्षेत्र वाइज 19-19 राउंड की गिनती रखी है, और 3री विधानसभा सीट जो हमारे यहाँ खरगापुर है उसके लिए उन्होंने 21 राउंड रखे हैं, तो 14-14 टेबल इन लोगों ने लगाए हैं। हेलो जी, हाँ 14-14 टेबल लगाए गए हैं जी, और 3 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। पहले बैलेट पेपर से होगी, फिर ईवीएम मत खुल जाएगी जी। सुबोध, मतगणना केंद्र के बाहर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाएगी? जी मैडम, यह सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की गई है जी। यहाँ 200 मीटर से कड़े प्रबंध किए गए हैं, 144 धारा लगा दी गई है और 3 लेयर में ये सुरक्षा रखी गई है, बीएसएफ, एसएफ और एमपी पुलिस की। जी
सुबह टीकमगढ़ और जतारा विधानसभा में 19 राउंड की गिनती होगी, तो वहीं खरगापुर विधानसभा में 21 राउंड की गिनती होगी। क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी प्रशासन द्वारा? ये प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, चौक चौवन व्यवस्था रखी गई है पूरी, और ये तीनों राउंड तीनों विधानसभा की एक ही उसमें रखे गए हैं, जो अलग अलग उनके वो बनाए गए हैं और कड़ी व्यवस्था के उसमें होगी। जी, तो एक खबर थी टीकमगढ़ से, जहां मतगणना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मतगणना को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्थाएं की गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी, वहीं 3 लेयर में विशेष फोर्स तैनात की गई है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। आप देखते रहिए ACN भारत।